अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद इरकान रिजवी है और मैं केपीके की कोच हूँ। ये गेम बहुत टेक्निकल है और आप जो देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नेशनल गेम हुआ जा रहा है, जिस स्किपिंग जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पर इसमें फिजिकली टेक्निकली आप देख सकते हैं, आप ये वार्म अप के लिए नहीं है, ये फिजिकली ये हमारी इट्स अ स्पोर्ट्स, इसको स्पोर्ट्स ही क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में इतना नहीं प्रमोट किया जाता, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो यहाँ पे गेम हो रहा है, नेशनल गेम हो रहा है, इसको प्रमोट कर रहे हैं हम लोग एज ए स्कीपिंग एज ए नेशनल गेम लेवल पर, बहुत हाई लेवल, बहुत अच्छा है। यहाँ पे बलूचिस्तान, गिलगित, केपीके वगैरह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, खेलना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिल रही है। जितने स्टूडेंट्स हैं, जितनी पार्टिसिपेटेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेशनल इवेंट, थैंक यू वेरी मच। हमारी फर्स्ट नेशनल जंप रोप एंड रोप स्कीपिंग चैम्पियनशिप जो कराची यूनिवर्सिटी में मुनक़द कर रहे हैं और इसको पाकिस्तान रोप जंप रोप एंड रोप स्कीपिंग फेडरेशन इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, ताबून कराची यूनिवर्सिटी से। आज 3 मार्च को इस इवेंट को हमने ऑर्गेनाइज किया है, इसमें मुल्क भर से सूबों की टीमें शिरकत कर रही हैं, सिंध, पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, जीबी, गिलगित, और ये अराउंड 60 से अबव प्लेयर ऑफिसर शिरकत कर रहे हैं। इस इवेंट को कराने का मकसद ये है कि हम ग्रास रूट लेवल पर स्कूल इवेंट, कॉलेज इवेंट करवा रहे हैं और फर्स्ट नेशनल करवा रहे हैं। इसमें बच्चों की अवेयरनेस, बच्चों की सिलेक्शन और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन के हवाले से इनकी तरबियती कैंप लगाए जाएंगे। जी बिल्कुल, इनसे इंटरनेशनल इवेंट है, अब इसका वर्ल्ड स्कूल चैम्पियनशिप इसी इटली में आ रही है, उसमें अक्टूबर के अंदर वहाँ अपनी वहाँ बच्चों की टीम भेजेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद इंटरनेशनल चैम्पियनशिप आ रही है वो अराउंड 2023 और 2024 के अंदर, तो ये बच्चे वैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स की टीमें शिरकत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सौदिया अमीन है और मैं कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। ये रोप स्किपिंग जो है, हम बचपन से खेल रहे थे अपने घरों पे, तो वेरी इजी है ये हमारे लिए, लेकिन इसकी प्रैक्टिस में अगर हम रहते तो हम कुछ अच्छा वो परफॉर्मेंस दे सकते थे, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली कल ही पता चला इसके बारे में कि ये नेशनल लेवल पे हो रहा है, तो फिर भी हमने कहा कि अपनी टीम बनाएंगे, अपनी गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने अपनी टीम बनाई और यहाँ पे आए। एज़ कम्पेयर टू हमारी प्रैक्टिस, हमारा परफॉर्मेंस माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा, हमारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला, तो मैं यही कहूँगी अगर ऐसे इवेंट्स करवाए जा रहे हैं तो शुरू से हमें पता होना चाहिए, इसकी बाकायदा कोचिंग होनी चाहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। इंशाल्लाह हम अपने आप को तैयार करेंगे और अब हम प्रैक्टिस में रहेंगे, क्योंकि हमारा जो है मेन फील्ड ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो हम इसके अलावा भी गेम्स खेल रही हूँ मैं और नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट भी किया है मैंने माशाल्लाह से, तो हम अभी इसकी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लिए मज़ीद बेहतरी के लिए हम तैयारी करेंगे। ताशा हसन है और मैं केपीके प्रोविंस को रिप्रेजेंट करने आई हूँ, तो आज मैं इधर फर्स्ट टाइम आई थी रोप स्किपिंग के लिए, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ आएंगे और अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। सामने देखना।